चाहिए नेक्स्ट। ये देखो ए सेल इज फायर्ड एक्सप्लोड इन टू द फोर इक्वल पार्ट्स। अगर मैं एक बम को यहां से फायर करता हूं, ठीक है, एक गन है, ठीक है, इस टाइप से कुछ गन होती है। अब यहां से मैंने एक गन से एक बम सेल फायर किया और वो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहां पे कहीं पे ये जो सेल था वो फूट गया, इस तरह से बहुत सारे पीसेस हो गए, ठीक है, समझ में आया। देयर आर अ लॉट ऑफ पीसेस ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो इसमें से क्या कंजर्व रहेगा, वो क्या पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि जब इसके जब ऐसे था तो मान लो ऐसे अलग अलग पीसेस का अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी हो गया यार, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी मान लो यहाँ रिफरेंस लाइन ले लेते हो तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो सेट कर देते हो, तो एक पीस इधर जाने लगा तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है। अगर एक बॉम्ब है पहले रेस्ट में है तो जब फूट गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हर पीस की अलग अलग होगी, ठीक है, वो एनर्जी केमिकल एनर्जी से आ रही है, ये दोनों सही नहीं है। तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है भाई। एक बॉम है रेस्ट में है तो अगर वो एक्सप्लोजन हुआ फूट गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कहाँ रही, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी तो ठीक है जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस तरह से मूव करते हैं सभी पीसेस कि नेट मोमेंटम जीरो, काफी डिस्कशन हो चुका है इस पर, ठीक है। कहता है कि फोर्स